हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बागेश्वर से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आ रही है। यहां कल रात हुई भारी बारिश में बागेश्वर आरी क्षेत्र के पास बादल फटने की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक घटना कल रात 3 बजे के आसपास की बताई जा रही है। जब बादल फटने से यहां सड़क पर मलबा आ गिरा, वहीं यहां के स्थानीय निवासी नंदन राम के मकान में इस आसमानी आफत से दरारें आ गई। साथ ही उनकी गौशाला, बाथरूम समेत आंगन में रखा सामान भी मलबे के साथ बह गया है। इधर घटना के बारे में जानकारी देते हुए सामाजिक कार्यकर्ता दीपक खेतवाल का कहना है कि काश्तकारों की लगभग 50 नाली जमीन को नुकसान हुआ है, उनकी धान की खड़ी फसल भी मलबे के नीचे दब गई है। इधर सूचना के बाद SDM तहसीलदार समेत PWD विभाग घटनास्थल पर पहुंचे हैं। इस मौके पर SDM राकेश तिवारी ने बताया कि घटनास्थल पर दोनों तरफ से JCB लगाकर मलबे को हटाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मलबे को हटाने में समय लग जाएगा, लेकिन काम जारी है। इधर वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि कल रात हुई घटना के बाद उनमें दहशत का माहौल बना हुआ है। हमारे गांव के पास एक मावड़ी का डेरा है। मावड़ी के डेरे में ऊपर काफ़ी अच्छी से मलबा आया। मलबे से आरे गांव में होते हुए मलबा सड़क पे आ गया, सड़क से नीचे खेतों में चला गया, जिससे धान की फसल में काफ़ी मलबा चला गया है। और जो हमारा बागेश्वर भराड़ी मोटर मार्ग है, उसमें भी काफ़ी लगभग 50 मीटर मलबा से बढ़ गया है। इस समय PWD की दोनों तरफ से JCB लगी हुई है और राजस्व विभाग के जो हमारे नए तहसीलदार पटवारी कानून हैं, सभी लोग इसका जो नुकसान है उसका जायजा ले रहे हैं। गाँव वालों द्वारा बताया कि ये घटना लगभग 3:30 बजे के आसपास हुआ है। हालांकि इसमें सभी सुरक्षित है, किसी की परेशान जनहान नहीं हुई है। एक बड़ा सा होल्डर आया इस कृपा से वो मकान को सुरक्षित कर लिए, अन्यथा काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। ये रोड कब तक खुलने की आपको संभावना है? जो JCP और ट्रिपल लगा है, जो कि मलबा है और यहाँ जो मलबा है लोगों के खेतों में जा सकता है, तो लोग अपने खेतों में मलबा डालना नहीं चाह रहे हैं और इस मलबे को दूसरी जहाँ शिफ्ट करना है, जिसमें मलबा हटाने में टाइम लगेगा। रोड खोलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मलबा हटाने में टाइम लगेगा। कोशिश है कि जल्दी जल्दी। कल रात जो भीषण बारिश हुई, उसमें हमारे आरे गांव में एक बादल फटने से काफ़ी नुकसान हुआ है। 3:30 बजे लगभग रात के 3:30 सुबह के 3:30 बजे यह आपदा आई हुई है, बादल फटा हुआ है, जिसमें हमारे आपको दिख रहा है पीछे घर है एक नंदन राम जी का, उसको काफ़ी क्षति पहुंची है। उनकी एक उनका यह नया भवन बना है, 1 साल भी नहीं हुआ है इस घर को बने उनके, तो आज उनका एक गौशाला थी यहाँ पर, वो गौशाला पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जमींदोज हो चुकी है, दिख नहीं रही है। और साथ साथ ही इनका जो टॉयलेट बाथरूम था वो भी पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। बाथरूम में इनकी वॉशिंग मशीनें थी, सभी सामान था, वो जमींदोज हो चुका है। इसके साथ साथ ही हमारे जो काश्तकार हैं हमारे आरे गांव के, उनकी सारी कृषि योग्य भूमि नष्ट हो चुकी है। हमारा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि कृपया उनको उचित मुआवजा दिया जाए कृषि भूमि का, और उनका मलबा भी, उनके खेतों से उनका मलबा भी हटाया जाए, क्योंकि ये बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है हमारे गांव की। कम से कम 50 नाली भूमि पूरी बर्बाद हो चुकी है, खड़ी फसल हमारी नष्ट हो चुकी है, और उसी में ही नंदन राम जी के मकान में पूरी दरारें आ चुकी हैं। तो शासन प्रशासन से हमारी विनती है, निवेदन है कि इसको अति शीघ्र इनको मुआवजा दिया जाए। साथ ही इस गदेरे में, जो मवाणी गदेरा कहते हैं हम यहाँ पर दो पैदल पुल भी थी, दोनों पैदल पुल हैं हमारी, नामो निशान नहीं है पुलों का, दोनों पुलें बह चुकी हैं, और जिससे हमारे गांव का संपर्क भी ऊपर से टूट चुका है। तो शासन प्रशासन से अनुरोध है कि अति शीघ्र मुआवजे का, और जो हमारा नुकसान हुआ है गांव का, जो पुलें हैं, जो दीवालें हैं, उनको अति शीघ्र बनाने की कृपा।